हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरीके का पेपलम कुर्ती। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर को थैंक्स कहना चाहती हूं। तो आज मैं स्पेशल थैंक यू फराना खान और कैफा खान को करना चाहती हूं, जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बनाया है तो सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ बनाने के लिए हमने सबसे पहले से हाफ में फोल्ड किया है दुपट्टे को एक साइड से। यह मेरा ऑलमोस्ट 2.5 मीटर का दुपट्टा है, तो 1/2 मीटर से मैं बॉडी बनाऊंगी और जो 2 मीटर बचता है उससे मैं नीचे का घेरा बनाऊंगी। तो आप देख रहे हो मैंने 2 बार में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आप हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मैं 14 इंच की बॉडी रहेगी और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो मार्जिन के लिए लगेगा, और हम इसे कट कर लेंगे। और नीचे के फैब्रिक से हम यहाँ घेरा बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन आप ले लीजिए ऊपर की साइड, और उसके बाद आप अपनी कोई भी कुर्ती या टॉप फोल्ड करके फोल्ड साइड पे प्लेस करते हुए मार्किंग ले लीजिए। तो इस तरीके से हमने कुर्ती को प्लेस किया है। उसके बाद हम अपना शोल्डर्स, आर्मोल्स और साइड की फिटिंग ले लेंगे। आर्मोल्स की तरफ हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और साइड में हमने लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। लेते हुए हम यहाँ मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे। तो नेक की मार्किंग हमारी यहाँ लेंथ वाइज हमने यहाँ रखा है 4 इंच एंड ब्रेथ वाइज हमने यहाँ रखा है 3 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक कर्व शेप दे देंगे और ये सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। लेकिन हम नेक एरिया नहीं कट किया है, नेक एरिया हम बाद में कट करेंगे अस्तर अटैच करने के बाद। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको 2 फैब्रिक मिलेगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। आपको फ्रंट पार्ट की बॉडी को लेना होगा और उसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा, क्योंकि आर्मोल की तरफ आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कट करना होगा, क्योंकि फ्रंट आर्मोल जब छाटेंगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, ये छाटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इसे भी ओपन कर लेंगे और दोनों पार्ट के लिए हमने अस्तर को कट किया है। तो यहाँ मैंने वाइट कलर का अस्तर यूज़ किया है, आप ब्लू कलर का भी ले सकते हैं, दोनों कलर का भी मैच हो जाएगा। तो 1/2 द अस्तर हमने यहाँ रख लिया है। अस्तर का जो दोनों सीधे और हो इस तरीके से फेस होना चाहिए। अस्तर आपको मेन फैब्रिक पर उल्टा प्लेस करके आपको इस तरीके से अपना नेक एरिया और आर्मोल एरिया सी लेना होगा, और सेम इसी तरीके से आपको दोनों पार्ट पे करना होगा। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे हमने नेक एरिया और आर्मोल एरिया हमने सी लिया है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है। सीने के बाद आपका नेक का 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से आपको कट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको नेक एरिया पे और आर्मोल एरिया पे इस तरीके से छोटे छोटे कट्स दे देना होगा। ये देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो कोई भी झोल नहीं आएगा आपके फैब्रिक पे और बहुत ही अच्छा फिनिश लुक आएगा। तो आप देख रहे हैं हमने दोनों पार्ट पे छोटे छोटे कट्स दे दिया है। फ्रंट, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो मैंने फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से कट्स देते हुए इसे फ्लिप कर लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको इस पर अच्छे से आयन दे देना होगा, ताकि सिलाई जो है अच्छे से बैठ जाए और बहुत ही अच्छा फिनिश लुक आएगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्लिप कर लिया है। सेम इसी तरीके से आपको बैक पार्ट को भी करना होगा, लेकिन बैक पार्ट पे हमने यहाँ फ्लिप नहीं किया है, हमने सिर्फ नेक एरिया को कट करते हुए आपको नेक पे और आर्मोल पे इस तरीके से छोटे छोटे कट्स दे देना होगा। लेकिन फ्लिप अभी हम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम शोल्डर जॉइन करेंगे। अस्तर अटैच करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को प्लेस करेंगे और उसका जो अस्तर का पार्ट है वो ऊपर रखेंगे, और उसी के ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट प्लेस करेंगे, लेकिन जो अस्तर का पार्ट है वो उसे ऊपर रखना होगा, और बैक पार्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में आपको इसे इस तरीके से डाल देना होगा, और दोनों शोल्डर को अच्छे से आपको मिला लेना होगा, ध्यान से आपको मिलाना होगा ताकि फैब्रिक यहाँ ना हो। ज़रा भी फैब्रिक अगर अंदर से फोल्ड हो जाएगा तो वो स्टिचिंग में आ जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से इसे अच्छे से मिला के आपको अपना शोल्डर्स अटैच कर लेना होगा। इस बात का ध्यान देना होगा कि जो अस्तर है वो दोनों ऊपर की ही ओर होना चाहिए, मेन फैब्रिक और
फ्रंट फैब्रिक और बैक फैब्रिक का जो अस्तर है वो ऊपर के ही ओर होना चाहिए और जो दोनों मेन फैब्रिक है वो बाद में होना चाहिए। इस तरीके से प्लेस करते हुए आपको अपना शोल्डर्स अटैच कर लेना होगा। तो आप देख रहे हो मैंने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अब आपको बैक पार्ट का अस्तर फ्लिप करना होगा, उसके अंदर से आपको फ्रंट पार्ट को निकाल लेना होगा। ये बहुत ही सिंपल है। तो आप देख रहे हो मैंने निकाल लिया है, अस्तर भी अटैच हो गया। अब बहुत ही फिनिश लुक आया। आप देख रहे हो इस तरीके की फिनिशिंग अक्सर आपको रेडीमेड कुर्ती में दिखेगी और ये हमने घर में ही तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान से बहुत ही फिनिश लुक आया है हमारी बॉडी को। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद अब हम अपनी साइड की स्टिचिंग दे देंगे। तो यह मैंने साइड सी लिया है और आप देख रहे हैं मेरी बॉडी कितनी फिनिश लुक के साथ तैयार हो गई है। और अब हम नीचे का घेरा प्रिपेयर करेंगे। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए मैंने फैब्रिक को कट किया है, जिसकी लंबाई हमने अपने बॉडी माइनस करने के बाद रखा है। जैसे कि मेरी यहाँ टोटल लंबाई 40 इंच की थी, मैंने बॉडीज बनाया है 14 इंच का, तो मेरा घेरा रहेगा 26 इंच का। एक इंच एक्स्ट्रा लिया है जो नीचे बॉर्डरिंग फोल्ड करने के लिए लगेगा और ऊपर जो सिलाई के लिए जाएगा, इस हिसाब से हमने लिया है। अब हम एक साइड से इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स देंगे ऑल ओवर। हमें अपने प्लीट्स अपने कमर के जितना देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ दे दिया है प्लीट्स अपने कमर से एक इंच ज़्यादा दिया है। जैसे कि मेरे यहाँ कमर की गोलाई 28 इंच है, तो मैंने प्लीट्स दिया है 29 इंच की। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और सिंपली हम अपनी साइड की स्टिचिंग दे देंगे। तो यहाँ मैंने अपनी साइड की स्टिचिंग दे दिया है। अब हमें ऊपर बॉडीज अटैच करना है। तो बॉडीज अटैच करने के लिए हमने इस तरीके से एक हिस्सा बॉडी का पकड़ेंगे, एक हिस्सा घेरे का पकड़ेंगे और राउंड में इसे सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरी ये पेपलिन कुर्ती तैयार हो गई और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रही है। इसे और प्रिटी करने के लिए आप चाहो तो नेक पे लेस लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा, या फिर स्टोन डिटेलिंग के लिए आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये सिंपल सा पेपलिन कुर्ती पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आगे की आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।